दोस्तों बीएनबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पवन भारद्वाज। आज हम आपको ले चलते हैं मुंबई के ग्लास हाउस, जहां पर ओ मेरी माई करके एक म्यूजिक वीडियो का लॉन्च किया गया। जैसे कि आज मदर्स डे है, मदर्स डे पर श्वेता सिन्हा ने अपनी बेटी भूमिका को ये गाना गिफ्ट किया है। आपको बता दें, श्वेता सिन्हा जो है ससुराल सिमर का में आपने उनकी एक्टिंग को काफी सराहा है और उनकी बेटी भूमिका ने इसके जरिए बॉलीवुड में कदम रखा है। आज इसका प्रीमियर शो रखा गया। सिंगर की अगर बात करें, इशिता विश्वकर्मा और तेजल विश्वकर्मा ने इसने गाना गाया है। गाना काफी अच्छा है। इस मौके पर इनसे जुड़े और भी काफी फिल्मी सितारे वहां पर पहुंचे। टीवी शो अनुपमा की मुस्कान भी वहां पर पहुंची और उन्होंने मीडिया से बात की और दिलीप सेन ने, म्यूजिक डायरेक्टर ने, बहुत सारी शुभकामनाएं दी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। और हाँ, वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको नया वीडियो समय पर मिल सके। बहुत ही खूबसूरत गाना है, आप लोगों ने अभी सुना ही होगा। और पहली बार ऐसा हुआ है कि रियल माँ बेटी सिंगर्स भी है और रियल माँ बेटी एक्टर्स भी है। मतलब मेरी माई इस ब्यूटीफुल एल्बम में मैंने माँ का किरदार निभाया और मेरी बेटी भूमिका सिन्हा ने, पहली बार इसका डेब्यू है ये, पहली बार बेटी का किरदार निभाया। और मुझे लगता है कि सब लोगों को ये बहुत पसंद आना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने सबने ही बहुत मेहनत की है। ऐसा मुझे नहीं लगता, ये एक्चुअली सॉन्ग पहले ही डिसाइड हुआ था। जो सिंगर्स हैं जिनने गाना गाया है वो दोनों भी माँ बेटी ही है, इशिता विश्वकर्मा और उनके सारे गामा की सिंगर्स है, तो वो भी माँ बेटी है पहले से। आई थिंक प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को रियल माँ बेटी एज एक्टर्स चाहिए थे, तो इसीलिए उन्होंने हमें कास्ट किया। एंड वी आर रियली थैंकफुल कि हमें ये मौका मिला अपना अपना टैलेंट दिखाने का, और हमें सीरियसली बहुत मजा आया इसमें काम करके। वापस दोहरा तो वैसे तो अच्छा ही लगा। वैसे बोला जाता है कि माँ बेटी कर रहे साथ में तो एक्टिंग आसान होगा, पर सही में बोलो तो स्ट्रेट तो वैसे तो लोगों को लगता है कि माँ बेटी साथ में कर रहे हैं तो एक्टिंग आसान होती, पर एक्चुअल में बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि हमारा जो रियल लाइफ में रिलेशन है वो इतना फॉर्मल टाइप नहीं जैसा मूवीज़ में दिखाया जाता है। हम बहुत दोस्तों की तरह है, तो हम लोग एक एक शॉट के बाद हंस रहे थे। मैं तो नर्वस नहीं थी क्योंकि मैं पहले से एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मुझे आदत है कैमरा फेस करने की। मैं तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ कि इनके साथ में मैं, एक्चुअली मेरे को बहुत सारे ऑफर्स आए थे पर मैं कुछ अच्छा देख रही थी कि कुछ यू नो लाइक अच्छा हो। देखिए पहले तो ओ मेरी माई टाइटल इतना प्यारा है, जो आज की जो समय चल रहा है उसमें इस तरीके का ये टाइटल होना बहुत ही बड़ी बात है। और ख़ास करके सुनीता जी को और भूमिका जी को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देना, श्वेता जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि इन दोनों माँ बेटियों ने जो काम किया है, दिल को छू लिया है ये गाने ने। और गाना कंपोज भी बहुत प्यारा हुआ है। एज ए संगीतकार मैंने इतना काम किया है, इतने इतने एल्बमों में मैं गया हूँ, मगर पहली मर्तबा अगर कोई गाना मेरे दिल को छुआ है, एक्टिंग वाइज समझिए या सिंगिंग वाइज या म्यूजिक वाइज, बहुत ही प्यारा गाना बना है। तो मैं इसके प्रोड्यूसर को, इसके डायरेक्टर को और इसकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ, और ख़ास करके इन दोनों माँ बेटियों को, क्योंकि दोनों माँ बेटियाँ लगती नहीं, बहनें बहनें लगती हैं। और ईश्वर करें ये इसी तरीके से दोनों बहनें लगें। और इनको मेरी तरफ से यानी दिलीप सेन की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है कि फ्यूचर में ये बहुत आगे बढ़ें, नाम करें और इस तरीके के ही एल्बम करें, क्योंकि हमारे समाज के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज है। क्योंकि इस में कहानी में मैंने ये देखा कि जब बच्ची टूटती है तो माँ कैसे उसको वापस मतलब तैयार करती है कि नहीं बेटा टूटना नहीं, टूटना ज़िंदगी नहीं होती है।